दोस्तों कैसे हाल चाल है आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे सो so, मुझे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं जिनकी नई शादी होने वाली है एंड वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदें अपनी शादी वाली मेकअप किट बनाने के लिए आ, क्योंकि नई दुल्हनों को सच के संवर के रहना होता है एंड मुझे लगता है कि शादियों में गर्ल्स को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग यही लगता है कि अपने नए कपड़े खरीदना नया मेकअप ख़रीदना तो मैं आपकी मदद करूँगी अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर प्रो भी हैं तो आपको क्या क्या ख़रीदना चाहिए से so, शुरुआत करते हैं हमारे फेस से so... मेक शोर sure करें कि आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लें एंड सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल अफोर्डेबल में मैं आपको बताना चाहूँगी uh, ये अवीनो का ओट मिल्क वाला मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है बहुत मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को एंड इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है ड्राई एंड ऑयली दोनों लोग लगा सकते हैं हाई एंड में मुझे ओरिजन के मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे लगते हैं एंड ऑल्सो ओले हेरिक्सन का ये वाला मॉइस्चराइज़र uh, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है सो uh, so, आप इनमें से कुछ भी देख सकते हैं एंड मॉइस्चराइजर के बारे में ज्यादा बातें मैं फ्यूचर में करूंगी एंड उसके बाद सनस्क्रीन सनस्क्रीन के लिए एक ही सनस्क्रीन मैं रेकमेंड करती हूँ ये सुपर गूप की सनस्क्रीन एक तो है अनसिन जो कि आप मेकअप के नीचे लगा सकते हैं एज अ प्राइमर और एंड एक लोशन है जो आप एज अ लोशन एंड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं इसका एस पी है सनस्क्रीन जरूर से लगाएं अपनी स्किन का जरूर से ध्यान रखें सो सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद मैं आपको तीन प्राइमर सजेस्ट करना चाहूँगी जो आपकी बहुत अच्छी फिनिश देगा अब प्राइमर का ये है कि आप पे डिसाइड है आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा प्राइमर चाहिए आपकी स्किन कैसी है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोलिंग यूज़ करें लाइक like मैटिफाइंग। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो समथिंग ऐसा यूज़ करें जो आपकी स्किन को ग्लो दें लाइक डुई फिनिश वाला और मेरी स्किन की प्रॉब्लम है कि पोर्स हैं टेक्चर है हाइड्रेटिंग चाहिए मुझे कुछ तो मैं मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं दो एक बेनिफिट का दा प्रोफेशनल इससे पोर्स ऐसे ब्लर हो जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि आपने आपके बिग पोर्स हैं सो हाई एंड में ये ट्राई कर सकते हैं या फिर आप स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोज़ में रिफ्लेक्शन नहीं आएगी बहुत मज़ेदार है बहुत स्मूथ कर देता आपकी स्किन को अफोर्डेबल में मुझे एल्फ का ये पावर ग्रिप प्राइमर बहुत अच्छा लग रहा है इतना हाइड्रेटिंग है और मुझे लगता है कि ये मिल्क के हाइड्रेटिंग प्राइमर का डुप है क्योंकि जैसे वो आपके स्किन पे मेकअप को ऐसे चिपका देता ना वैसे ही काम ये करता है बहुत अच्छा है ये आप ज़रूर से ट्राई करें ये आप जरूर से ट्राई करें बहुत बहुत मज़ेदार प्राइमर है ये अगला प्रोडक्ट है फाउंडेशन फाउंडेशन आपके मेकअप का फाउंडेशन है सो उसी से बिल्ड होगा मेकअप का लुक कैसा आने वाला है सो मैं आपको दो या तीन ऑप्शन देती हूँ एक अफोर्डेबल जो कि है मिलानी का फाउंडेशन ये बहुत बहुत प्यारी फिनिश देता है ये जो फाउंडेशन है यह है मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट टू इन वन है फाउंडेशन एंड कंसीलर जिसकी वजह से इसकी कवरेज बहुत अच्छी है जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है जीरो फाइव ए नेचुरल बेस बहुत प्यारा शेड मैच है और मुझे लगता है कि इनके पास इनफ शेड रेंज है आपको आराम से अपना शेड मिल जाएगा एंड ये गुड फॉर वन ईयर है आप ये ख़रीद सकते हैं अगर आप पैसे स्पेंड करना चाहते हैं ज़्यादा तो मेरा नंबर वन फेवरेट है नार्स का नेचुरल रेडियंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन एक्चुअली ये लॉन्ग वेयर है पूरा दिन तक रहेगा अगर आपको किसी इवेंट पे जाना है आपको बहुत सारी इवेंट्स पे जाना पड़ेगा सो आप ये ट्राई कर सकते हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल फाउंडेशन है इसकी फिनिश इतनी नेचुरल है सर्टन फिनिश है सो ड्राई कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं मेरी स्किन ऑयली है और मुझे इसकी फिनिश बहुत अच्छी लगती है जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है वेनाटू हाइरो अगर मैं सही प्रनाउंस करी या नहीं सो so, यह है एंड uh, अब एक नई ऑप्शन भी मैं आपको देना चाहती हूँ वो है शार्लेट टलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश फाउंडेशन जो शेड मेरा है वो है वार्म एट इसकी फिनिश बहुत मज़ेदार है एयर ब्रश है ऐसे लगेगा कि आपने अपना मेकअप प्रोफेशनल से करवाया है दूसरा uh, सारा दिन टिके रहेगा एंड बहुत अच्छी कवरेज आएगी तो जब आप फाउंडेशन को लगाएंगे ना आपको लगेगा कि आप किसी इवेंट के लिए तैयार हैं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छा फाउंडेशन है कंसीलर अब कंसीलर हम यूज़ करते हैं हमारे फेस को हाईलाइट करने के लिए अंड्राइस को या फिर हमारे चेहरे पे स्कार्स हो उसको स्पॉट कंसील करने के लिए या फिर अपने चेहरे को कॉन्ट्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सो मैं आपके साथ तो, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीन कंसीलर के ऑप्शन दो अफोर्डेबल एंड एक एक्सपेंसिव अफोर्डेबल में मेरे पास है ये मे का इंस्टेंट एज डिवाइन इरेजर ये बहुत ही क्लासिक प्रोडक्ट है इसके साथ आप कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकते हैं इसको आप अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करें अंडर आइज़ ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे कि डार्क सर्कल वहाँ पे कभी था ही नहीं जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है 122 एंड अंडर आइज़ के लिए एक्सपेंसिव वन जो मुझे बहुत पसंद है वो है टार्ड का शेप टेप ये एक्सपेंसिव है और इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये सिर्फ गुड फॉर सिक्स मंथ्स है और यह स्काइज मेकअप एक्सपायर होता है एक्सपायर होने पर उससे मत ही यूज़ करें स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स complex, कॉम्प्लेक्शन के प्रोडक्ट होते हैं लाइक बेस होता है क्योंकि वो आप स्किन पर लगाते हैं अगर वो एक्सपायर होगा तो इनफेक्ट क्शन हो सकती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है और वैसे भी वो फिनिश नहीं आती है जो नए की आती है ओके okay. मुगदी स्टोरी है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है लाइट मीडियम इसे मैं बेसिकली मेरे चेहरे को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ एंड एक और अफोर्डेबल ऑप्शन देना चाहूंगी यह है एल्फ का हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर साटन फिनिश ये जो कंसीलर है ना ये इसकी पूरी टक्कर का है अगर आप ये दोनों को लगा लेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी साइड कौन सी है ये फोर्टी टू डॉलर्स का है एंड ये फाइव सिक्स डॉलर्स का है बहुत बड़ा फ़र्क है तो आप देख लें कि आपको कौन सा यूज़ करना है फेस को सेट करने की बारी आती है फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने मैं मेरे फेस को सेट करने के लिए पाउडर फाउंडेशन यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे स्कार्स से फाउंडेशन से थोड़ी सी और कवरेज जा आ जाती है उसके लिए मुझे ये सफोरा का मैट परफेक्शन पाउडर फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वह है ट्वेंटी सिक्स नेचुरल सैन सो ये पाउडर है यह मेरे फेस को सेट भी कर देता है एंड थोड़ी सी और कवरेज भी दे देता है अगला मुझे uh, पसंद है ये शारले टलबरी का सेटिंग पाउडर ये बहुत मज़ेदार है जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वह है मीडियम सो अदर लूज पाउडर मुझे अच्छा लगता है ये लॉरा मेसिया का लूज पाउडर जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो ट्रांसलूसेंट हनी बहुत अच्छा पाउडर है इसको एंड पे आप लगा लें सारे चेहरे पे कोई कलर नहीं है इसका पर आपका मेकअप पूरा सेट टू द प्लेस हो जाएगा हिलेगा नहीं मैं जो मर्जी कर लें सो so इसी के साथ की एक अफोर्डेबल ऑप्शन आपको बताना चाहूंगी मैं लूज़ पाउडर की वो है रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बेकिंग बनाना पाउडर शेड है बनाना बहुत अच्छा काम करता है एंड uh, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है एंड बारह मंथ्स के लिए गुड है सो so अपनी किट में इसको ऐड कर सकते हैं एंड में अपनी सारी चीज़ों को सेट करने के लिए सो ब्राउन्ज़र ब्राउनज़र मैं यूज़ करती हूँ मेरे चेहरे को कॉन्ट्रॉल करने के लिए अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्कपच्चर्ड फिनिश चाहिए तो आप कोई सा भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं डार्क शेड में कॉन्ट्रॉल uh, करने के लिए पर मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का सिटी ब्राउनज़र एंड uh, बहुत अच्छा मेरे फेस को ये शेप दे देता है एंड मैं ज़्यादा क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे मेरा फेस केक ही लगता है तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी आप कोई ब्राउनज़र यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके फेस को काउंटर भी कर दे और uh, साथ में सेट भी कर दे एंड लेस प्रोडक्ट हो जाएंगे एक तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अफोर्डेबल एंड एक मुझे वेटन वाइल्ड का कलर कलरिकॉन वेट एंड वाइल्ड का कलर ही कॉर्न बहुत अच्छा लगता है जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है वट शेडी पीचेस सो so, ये आप ट्राई कर सकते हैं ब्राउनज़र के लिए सो so, ब्लश के लिए ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको एक पैलेट ले लें पर अगर आप अलग से ब्लशेस खरीदना चाहते हैं तो मुझे ये एल्फ का पटी ब्लश बहुत अच्छा लग रहा है आजकल इसका जो शेड है ना मुझे लगता है कि ये सारा साल आप पहन सकते हैं ये बहुत प्यारा पीची कॉरल शेड है इस शेड का नाम है भामास और या फिर आप एल्फ के ब्रशेज ट्राई कर सकते हैं या नेक्स के जो सिंगल ब्लशेज होते हैं बहुत अच्छे हैं और बड़ी शेड की रेंज है कि आपको पिंक अच्छा लगता है या पीची अच्छा लगता है तो अफोर्डेबल हाइलाइटर्स हाइलाइटर्स किसको अच्छे नहीं लगते हाईलाइटर से आपका फेस हाइलाइटेड हो जाएगा एंड आप चमकदार दुल्हन लगेंगे मुझे मेकअप रेवोल्यूशन के हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है ये वाला इसका शेड का नाम है ब्राउन स्केस बहुत प्यारे रंग है एंड आप इन सबको मिक्स करके एक बहुत प्यारा शेड बना सकते हैं एंड हाई एंड में मुझे शार्लेट का ये वाला हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है आ, आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं ज़रूर से सो so, बारी आती है आइज की सबसे पहले आईब्रोज के साथ शुरू कर दें अफोर्डेबल में मुझे मैं आपके आपको रिकमेंड करना चाहूंगी एल्फ की ये पैलेट जो शेड पैलेट मैं यूज करती हूँ उसका शेड है नेचुरल ब्राउन इसमें तीन चार डिफरेंट शेड है एंड जेल भी है आप अपने बालों को स्टाइल करने के बाद सेट भी कर सकते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये एंड uh, अगर आप पैसे स्पेंड करना चाहते हैं तो बेनिफिट की आईब्रो पेन से ले सकते हैं बेनिफिट के प्रोडक्ट बहुत ही मजेदार हैं एंड uh, आप कभी उसके साथ गला नहीं जाएंगे अपना पसंदीदा शेड लें एंड अपने आईब्रो जैसे भी चाहिए आपको ड्रॉ कर लें सो आई शेडोज के लिए uh, कुछ मैं रेकमेंड करना चाहूंगी सो आई शेडो पैलेट के लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी हुडा की पैलेट हुडा की आई थिंक रोज गोल्ड पैलेट बहुत अच्छी है uh, दुल्हनों के लिए क्योंकि उसमें बहुत सारे शिमरी शेड्स हैं आप पार्टी वेयर बन सकते हैं उसमें ब्लैक भी है एंड न्यूट्रल कलर्स भी हैं जो ट्रांजिशन शेड का काम करेंगे सो so, हुडा की पैलेट ट्राई कर सकते हैं अगर आप पैसे स्पेंड करना चाहते हैं अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन सोच रहे हैं तो मिलानी की ये वाली पैलेट बहुत अच्छी है इसमें शिमरी शेड्स भी हैं ट्रांजिशन शेड भी है मिलानी के आई की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड अगर आप इन बिटवीन देख रहे हैं तो मॉर्फी के आई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे पास तीन चार तीन चार डिफरेंट पैलेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सो so, आप मौर्फी की जेम्स वाली कोलेबोरेशन देख सकते हैं इसमें बहुत सारे आपको शेड मिल जाएंगे गुलाबी पिंक जामनी जैसा भी सूट पहने वैसी आई लुक क्रिएट करें और ये शिमरी शेड बड़े भी हैं ट्रांजिशन शेड भी काला भी सो so, ये खरीद सकते हैं अगर आपको सिर्फ पार्टी वेयर किस्म के लेने हैं तो मारफी की थर्टी एम पैलेट बहुत अच्छी है बहुत प्यारे शिमरी शेड है इसमें खूबसूरत लाइट बल्ब की तरह तैयार हो सकते हैं एंड काफ़ी सारी लुक्स इसके साथ है जिसको कॉरल किस्म के कलर अच्छे लगते हैं ब्राउन कॉरल एंड शिमरी ये वाली पैलेट बहुत अच्छी है ये है थर्टी फाइव जीरो थ्री एंड मुझे लग रहा है दुल्हनों को ये बहुत अच्छी लगेगी सो ये ले सकते हैं एक पैलेट ले लें उसके साथ आपका चल जाएगा फिर अगर आपको लगेगा तो और ले सकते हैं और मार्फी की ये हाई द लाइट पैलेट बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारे शिमर्स हैं थोड़ी मैसी है सॉरी पर इसमें बहुत सारे शिमर्स हैं एंड बहुत सारे तरीके से आप लुक्स तैयार की जा सकती हैं सो so आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पैलेट चाहिए मैंने आपको चार पाँच छः ऑप्शन दे दी हैं चार ये हुडा की एंड ये मिलानी वाली ओके okay, सुबारी so आती है काजल एंड लाइनर्स की अफोर्डेबल uh, में मैं आपको बताना चाहूँगी लॉरियल का ये जो इंटेंस लिक्विड लाइनर है कार्बन uh, ब्लैक बहुत मज़ेदार है इसका ये जो टिप है ये काइंड ऑफ एल टिप है सो so, इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है दोस्तों एंड uh, मुझे लगता है कोई भी बिगनर इसे आराम से लगा सकता है एंड ये हो गया लिक्विड लाइनर और मैं रेकमेंड करूँगी एक ब्राउन लाइनर भी ले लें अलग लुक्स के लिए और ये है मेबलिन का प्रिसाइज ऑल डे लिक्विड लाइनर एंड शेड इज ब्राउन बहुत प्यारा लाइनर है ये एंड काजल के लिए मैं आपको तीन डिफरेंट ऑप्शन देना चाहूँगी क्योंकि तो मेरे खुद के पास नहीं है अभी और आज ही मैंने डिक्लर किया है मेरे मेकअप को बहुत सारी चीज़ें मैंने काट के छोड़ दी हैं so, सो काजल के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप एटलीस्ट तीन काजल लें एक लें नूड दूसरा लें काला तीसरा लें ब्राउन और ये सेम ब्रांड के भी ले सकते हैं डिफरेंट भी मुझे रिमल लंडन के सुपर एग्जैजरेट लिप आ, काजल लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इतने क्रीमी है इनका फॉर्मुलेशन इतनी मज़ेदार है ऐसे सेट हो जाते हैं आपकी आ, वाटर लाइन पर बहुत मज़ा आएगा आपको तीन ज़रूर लें क्योंकि काला हर टाइम अच्छा नहीं लगता है तब आप ब्राउन यूज़ करते हैं और देन आप नोट कर सकते हैं दिन वाली लुक्स के लिए और जब आप चाहेंगे कि आपकी आंखें थोड़ी बड़ी लगें सो तेन ज़रूर लें सो हाई एंड में लिक्विड लाइनर मुझे दो बहुत अच्छे लगते हैं एक है कैटवॉन डी का फेल टिप वाला लिक्विड लाइनर इसका नाम है टैटू लाइनर बहुत मज़ेदार है और इसकी भी फेल टिप है आ, क्या बोलते हैं उसको कलरिंग जैसी तो बहुत आसान होगा एंड दूसरा है मेकअप फॉर का दूसरा है मेकअप फॉर का लिक्विड लाइनर इसकी भी ऐसी टिप है जिससे लाइनर लगाना बहुत आसान होता है तो ये इंटेंस ब्लैक है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये दोनों ओके मस्कारे के लिए एक तो है बैटर देन सेक्स मस्कारा दिस वन दिस इज़ वेरी नाइस वेरी गुड यू गाइज कैन ट्राई दिस इफ यू ऑन हाई एंड एंड इफ़ यू ऑन अफोर्डेबल ऑप्शन आई थिंक इट्स अ डूप लेश पैराडाइज फ्राम लॉरियल मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है मैंने हजारों यूज़ कर लिए हैं इसके और या फिर मेबलिन का लेस सेंसेशनल यूज़ कर सकते हैं सो so, आप है दुल्हन और आपको लैशेस की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि लैशेस से आप अपनी लुक को जीरो टू तो हंड्रेड कर सकते हैं तो मैं लैशेस रेकमेंड करूँगी स्मॉल लैशेस एंड इसके जो स्टाइल्स मैं आपके लिए रेकमेंड करती हूँ वो है गोवा एंड पंजाब अगर आपको बहुत रोमांटिक दिखना है और अगर आपको नेचुरल किस्म की ब्राइड बनना है तो आप तो लूम ट्राई कर सकते हैं डुबई कर सकते हैं ये बहुत प्यारे स्टाइल्स हैं और बाकी अगर आपकी कोई सी भी पसंद है आप ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पर जाएँ और ज़रूर से देखें लैशेज़ लगाएंगे ना बहुत मज़ेदार दिखेंगे खूबसूरत दुल्हन बन जाएँगे लैशेज़ के लिए ग्लू भी चाहिए एंड ग्लू में चाहूँगी कि आप ये वाले ब्रांड का लें ये है ड्यू का ग्लू और इसका ये जो ब्रश है Uh, ऐसा है एंड आपको बहुत आसान हो जाएगा लैशेस लगाना एंड इसका कलर भी काला है तो ऐसे लगेगा नहीं कि आपने कुछ अलग ही कर लिया है आपके लाइनर जैसा लगेगा सो so ये ग्लू आपको जरूर से चाहिए उसके बाद सेटिंग आपको सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है सो so मैं दो आपको सेटिंग स्प्रे रेकमेंड करूँगी एक तो है ये मैक की फिक्स प्लस हज़ारों सालों से यही मेरी फेवरेट है हाई एंड में से मैंने और भी बहुत सारे ट्राई किए हैं पर इसकी जो फिनिश है बहुत अच्छी है इसे एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसे आप एंड में सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अफोर्डेबल में आपको मे की लास्टिंग फिक्स बहुत मज़ेदार है मुझे लगता मैम मैंने ये भी तीन चार बॉटल ले ली हैं यूज़ कर ली हैं इसे स्प्रे करें जितना भी आपने पाउडर जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वो सारा ऐसे सेट हो जाएगा कि आपकी स्किन है नकली नहीं लगेगा सो ये बहुत 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 मज़ेदार है एक सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप किट में जरूर से होनी चाहिए सो लिप्स पे एक्चुअली हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे पर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आपके पास लिपलाइनर होना चाहिए कोई नूड किस्म का सो so मुझे लगता है कि मैक का स्पाइस या फिर मिलानी uh, का स्पाइस ले सकते हैं ये हर एक के साथ सेट हो जाता है हमारी ब्राउन स्किन पे तो लिपलाइनर लगाने के बाद लिप शेड लगा सकते हैं सो so, आपको एक तो रेड लिपस्टिक बहुत ज़रूरी चाहिए वो है मैक की रूबी वू बहुत प्यारा शेड है मुझे लगता है कोई भी इंडियन ऐसी स्किन टोन नहीं होगी जिस पर ये अच्छा नहीं लगेगा ज़रूर से लेना है एक एंड देन सेफोरा की ये लिक्विड रेड लिपस्टिक जीरो वन नंबर है इसका ये भी बहुत प्यारा रेड है ज़रूर लेना ये आ, बहुत अच्छा लगेगा एंड अफोर्डेबल में मुझे ये वेटन वाइल्ड की आ, बहुत प्यारा सा नूट पिंक बहुत अच्छा लगता है एंड uh, uh, इसका नाम है रबल रोज बहुत प्यारा लगेगा अगर आप स्मोकी आए ग्लिटरी आए करते हो उसके साथ ऐसा शेड अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं ना तो मेबलिन की ये अल्टीमेट लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर मोर मोका एंड मोर मॉफ मेरी स्किन पे एंड ये लॉरियल की लिक्विड लिपस्टिक है इसका शेड है फोर टू एट बहुत ब्यूटीफुल ब्रिलियंट नूड है ये आपके चेहरे के लिए एंड देन आप ये एसेंस की लिक्विड लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हैं इनके शेड बहुत प्यारे हैं किसी भी दुल्हन के लिए अगर आपको इनमें से एक ही लेनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लें डेट प्रूफ बहुत बहुत बहुत, बहुत ब्रिलियंट ब्यूटिफुल पिंक शेड है ये एंड दूसरे दो जो शेड और मुझे अच्छे लगते हैं वो है टू बी फेयर एंड ऑल्सो मैड अबाउट यू आप देखें जैसे ये बाहर दिख रहे हैं ना वैसे ही शेड है और किसी भी दुल्हन को ये चाहिए और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपने ऊपर वो रेड हो सकते हैं नूड हो सकते हैं कोई भी एन एक और शेड रेकमेंड करूँगी मैं वो है ये मेबलिन का सुपर स्टे इंक क्रियॉन शेड का नंबर है फिफ्टीन लीड द वे ये शार्ला टिल्बरी के पिलो टॉक का डूप है बहुत ब्यूटीफुल है यही मैंने अब अपने लिप्स पे पहन रखा है अगर आप लेना चाहें तो इसको मैंने आ, का कॉम्बो है वो मिलानी का स्पाइस लिप लाइनर सो यस वी डन ऑल राइट दोस्तों तो इस तरह आपकी प्यारी सी मेकअप किट तैयार हो चुकी है अब आप रेडी हैं शादी के बाद इवेंट्स में तैयार होने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक बहुत ही ईजी सी मेकअप लुक करूँ कि शादी के बाद आप क्विकली 30 मिनट में कैसे रेडी हो सकते हैं इवेंट रेडी बताना मैं आपके लिए एक छोटा सा क्यूट सा मेकअप लुक जरूर से शूट करूँगी सो so, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बार में एंड मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनकी शादी होने वाली है ताकि वो उनको पता चल जाए कि उनको क्या खरीदना है मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू वेज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग वे इस्किन डू एनी फ्री किंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दट्स एट ईजी पीजी लेम्स को ईजी आई लव यू गाइज सो वेरी मच ओ गाइज और मेकअप गिट में बिंदियाँ भी ले लें हज़ारों किस्म की जैसी भी आपको अच्छी लगता है क्योंकि दुल्हन बिंदी के बिना कम्प्लीट नहीं लगती और आप uh, सिंदूर भी ले सकते हैं मुझे पता नहीं कोई कौन सा लेंगे या या अपनी पसंदगा लाल पीला uh, लाल पिंक जैसा भी आपको अच्छा लगता है ज़रूर से ले बहुत प्यारा लगता है राइट एंड uh,